दोस्तों श्री शिवाय नमोस्तुभ्यम हर हर महादेव ओम नमः शिवाय। दोस्तों आज का ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही खास वीडियो होने वाला है, क्योंकि आज के वीडियो में आपको पूज्य गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा के द्वारा बताए गए तकिए के नीचे एक चीज रखकर सोने से छप्पड़ फाड़ के घर में पैसा आता है, करोड़ों नहीं अरबों के मालिक बनोगे। दोस्तों इस उपाय के बारे में आज के इस वीडियो में आपको काफी अच्छे से समझाने की पूरी कोशिश करूंगा। दोस्तों पूज्य गुरुजी ने एक ऐसी चीज के बारे में बताया जिसे अगर आप पूरे नियम और उपाय के साथ में अपने तकिए के नीचे रख कर सोते हैं तो दोस्तों आपके घर में कभी भी धन धान्य की कोई भी कमी नहीं होगी। तो चलिए दोस्तों जानते हैं पूज्य गुरुजी के अनुसार बताए गए इस उपाय के बारे में। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले आप सभी से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि वीडियो को फटाफट से लाइक कर दें, शेयर कर दें और नीचे कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से हर हर महादेव या ओम नमः शिवाय जरूर लिख दें, जिससे कि दोस्तों आपकी जो भी मनोकामना है उसे महादेव जल्दी जल्दी दोस्तों पूरा कर दें। देखिए दोस्तों पूज्य गुरुजी के अनुसार अगर घर में बहुत ज़्यादा कलेश रहता है, धन से जुड़ी समस्या रहती हैं या फिर आपके काम बनते बनते अटक जाते हैं या आपको किसी भी काम में सफलता हासिल ना हो रही हो, तो दोस्तों उसके लिए आप एक रामबाण उपाय करें। दोस्तों आप किसी भी दिन इस उपाय को कर सकते हैं। दोस्तों इसके लिए आपको रात को सोने से पहले जरूरत पड़ेगी एक पीपल के पत्ते की। आपको एक ताज़ा हरा भरा पीपल का पत्ता तोड़कर लाना है। उस पीपल के पत्ते को घर लाकर शुद्ध जल से धो लें। अब दोस्तों इस पीपल के पत्ते पर पीले चंदन से ओम लिख दें। ओम लिखने के बाद दोस्तों इस पीपल के पत्ते को अपने तकिए के नीचे रखकर सो जाएं। अगले दिन सुबह उठकर एक तांबे के लोटे में शुद्ध जल लें और दोस्तों उस जल के साथ पीपल के पत्ते को अपने साथ लेकर किसी भी शिव मंदिर में चले जाएं। वहां जाकर शिवलिंग के ऊपर पीपल के पत्ते को अर्पित कर दें। फिर दोस्तों पीपल के पत्ते के ऊपर आपको धीरे धीरे ओम नमः शिवाय बोलते हुए जल को अर्पित करना है, या फिर आप श्री शिवाय नमोस्तुभ्यम मंत्र का जप करते जाएं। दोस्तों मात्र इतना करने से आपकी जो भी समस्या होती है, जो भी आपके काम में बाधा आ रही होती है, उसे महादेव दूर कर देते हैं और आपको हर काम में सफलता मिलने लग जाती है। साथ ही दोस्तों अगर घर में बहुत ज़्यादा धन की कमी रहती है या घर में आए दिन गरीबी छाई रहती है तो दोस्तों उसके लिए आप किसी भी सोमवार के दिन या शुक्रवार के दिन दोस्तों पीपल के पेड़ की थोड़ी सी जड़ लेकर आएँ। उस जल को घर लाकर शुद्ध जल से धो लें। अब दोस्तों इस जल को आप अपने घर के सभी सदस्यों के सर के ऊपर से 21-21 बार वार लें। अब इस पीपल के पेड़ की जड़ को आप अपने घर के किसी मुखिया के तकिए के नीचे चुपचाप से रख दें और दोस्तों अगले दिन सुबह उठकर इस जड़ को आप ले जाकर किसी बेलपत्री के पेड़ के नीचे चुपचाप से गाड़ दें और अपनी जो भी मनोकामना है उसे महादेव से बोल दें। दोस्तों मात्र इस उपाय को करने से आपके घर में जो भी समस्या होती है, जो भी आपकी मनोकामना होती है वो पूरी हो जाती है और समस्या खत्म हो जाती है, साथ ही धन की वृद्धि भी होने लगती है। साथ ही दोस्तों एक और उपाय पूज्य गुरु जी के अनुसार, अगर आप घर में धन धान्य की वृद्धि चाहते हैं, घर में सुख शांति चाहते हैं तो दोस्तों उसके लिए आप किसी भी शनिवार के दिन या फिर एकादशी के दिन या अष्टमी के दिन इस उपाय को कर सकते हैं। इसके लिए दोस्तों आपको अपने तकिए के नीचे रात्रि के समय में 5 लौंग और 1 रुपए का सिक्का और 1 गुड़ की डली किसी लाल कपड़े में बांधकर आपको रखकर सुलाना है। दोस्तों अगले दिन सुबह उठकर इस पोटली को आप रेलवे लाइन के पार अपनी मनोकामना को कहकर फेंककर अपने घर चुपचाप चले आए। दोस्तों ये उपाय आपकी हर मनोकामना को पूरी करेगा और आपके घर की जितनी भी दुख तकलीफ होंगी उन्हें नष्ट कर देगा और घर में धन धान्य की वृद्धि करेगा। पूज्य गुरुजी के अनुसार बताए गए ये उपाय दोस्तों काफी चमत्कारिक उपाय हैं। इन उपायों को करने से आप इनका असर काफी जल्दी और बहुत तेजी से देख सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और अगर आप महादेव को मानते हैं और उनकी पूजा करते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से हर हर महादेव या ओम नमः शिवाय जरूर लिखें, जिससे कि आपकी हर मनोकामना महादेव जल्दी से जल्दी दोस्तों पूरा कर दें।